हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने कराए हुए क्लास 12th फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में आज हम पढ़ेंगे मात्र एक क्लास में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि दोस्तों इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमारा कम समय में अच्छा ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। तो दोस्तों, जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 10 दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम होती है जरूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि कम समय हमें अच्छा रिस्पॉन्स हो सके। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि सबसे पहले बात करें तो इसमें हमें क्या करना है कि देखिए, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या हमें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंपॉर्टेंट सभी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आएंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो कि आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बातों को बहुत ही ध्यान से गौर से सुना करिएगा, तभी आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि चैट के चक्कर में पड़े होते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि सर मुझे नहीं समझ आया, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, ये जो आपका अध्याय वैद्युत आवेश तथा जो ये क्षेत्र है आपका वैद्युत क्षेत्र, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पेपर में, ध्यान सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, पूरे पेपर में कम से कम 30% तो क्वेश्चन इसी से आनी है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि अगर जो स्टूडेंट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का जितना भी संपूर्ण अध्याय है अगर ये पूरा पढ़ लेता है, तो 100 में 30% यही सही कर सकता है क्वेश्चन, यानी कि वो पास होने के काबिल यही से नंबर ला सकता है अगर वो पूरी तरीके से तैयार कर लेता है तो। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अध्याय नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर साल इससे 30% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब बात कर ले तो दोस्तों किस किस टाइप से क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा आपसे, तो दोस्तों इसको हमने 4 भागों में बांटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहला आपका आ जाता है दोस्तों बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी आपको एक अंक में पूछेगा, ठीक है, एक अंक का आपको बहुविकल्पी पूछेगा, पहला आ गया। दूसरा दोस्तों आपका आ जाता है इसमें अति, ठीक है, अति भी जो है वो भी आपको एक अंक ही पूछा जाएगा, एक अंक में ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा आ जाता है दोस्तों आपका लघु, लघु में 2 टाइप के होते हैं, एक आपके 2 अंक के और एक आपके 3 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों चौथा आपका आ जाता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, या हम कह सकते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अंकों को आपको क्लियर हो गया कि बहुविकल्पी आपको 1 अंक में पूछेगा, और अति का भी क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो भी 1 अंक में पूछेगा, और लघु 2 और 3 अंक का, और दीर्घ इससे 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हर साल इसे 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में, ध्यान से 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में, पिछले साल तो 3 क्वेश्चन पूछा था, इससे आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसका जितना भी आपके क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिख जाए, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुविकल्पी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल लगभग रिपीट करते हैं, तो उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको एकदम पहाड़ा की तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना है इसका बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मैनिक बहुविकल्पी हमें अच्छे से तैयार करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएगा, इससे छोटे छोटे आपसे अंक पूछे जाएंगे और छोटे छोटे आपके परिभाषा भी पूछा जाएगा, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। यानी कि कहीं पर भी आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न दिख जाए, तो उसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो बोर्ड में आए उसे तो एकदम रट जाना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें लघु उत्तरी प्रश्न में, तो लघु उत्तरी को हमने 2 भागों में बांटा है, एक आपका आ जाता है दोस्तों 2 अंक का, ठीक है, और एक आपका आ जाता है 3 अंक का, ये 2 टाइप के हैं इसमें, अब दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो लघु उत्तरी आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादातर आपके आंकिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंकिक इसका जितना भी आपको दिख जाए उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये बात करें तो ये आपको 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें आपको आंकिक के साथ साथ, यानी कि न्यूमेरिकल के साथ साथ, इसमें
परिभाषाएं भी पूछे जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे आपसे निगमन भी इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका दो अंक का है इसमें सबसे ज्यादा आपके आंकिक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंकिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए इसमें परिभाषाएं भी दिख जाती है तो उसे भी आपको तैयार कर लेना है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आंकिक से ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछे जाएंगे भाई, आपसे आंकिक प्लस इसके साथ साथ परिभाषा, जिसमें कि आपके परिभाषा के साथ साथ छोटे छोटे इसमें आपके डेरिवेशन यानी कि निगमन भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चौथा हमारा आ जाता है दीर्घ या विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। इसमें बात करें दोस्तों तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको डेरिवेशन पूछेगा ही पूछेगा, 100% श्योर रहता है, ठीक है। इसके बगैर कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट कर ही नहीं सकता, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें 10 से 11 आपके क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें से तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये क्या होता है भाई, आपके डेरिवेशन होते हैं यानी कि निगमन होते हैं, ठीक है। तो इसका 10 से 11 क्वेश्चन आपके निगमन के हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा PDF के तरीके से, ठीक है, पूरा इसका वेरी सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट देने वाले हैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल की क्लास में हम इसका लिंक भी दे देंगे, तो उसमें आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपके बहुविकल्पी का भी रहेगा, अति का, लघु का और दीर्घ का। ये दीर्घ का जो 10 से 11 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल इसमें से पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे दीर्घ में जो कि हर साल आता है। तो जो हर साल आता है उसे एकदम पहाड़ा के तरीके से याद कर लेना है। यानी कि दोस्तों, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर अभी तक मैंने पढ़ाई तक नहीं किया है, तो उनके लिए हम बता दें कि देखिए कोई भी रास्ता होती है किसी को पता नहीं होता है, बट वो जब उस रास्ते पर एक बार जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो किसी दूसरे से पूछेगा, फिर जाएगा, फिर पूछेगा, फिर जाएगा, फिर पूछेगा, फिर धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों आपकी ये 5 से 6 निगमन ऐसे हैं, तो ऐसे जो नए स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं कि आप उसको धीरे धीरे लिख लिख कर याद करना शुरू करेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप 5-6 दिन में ये 5 से 6 डेरिवेशन जो भी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछा जाता है इसको आप अच्छे से कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। और जो 10 से 11 क्वेश्चन है फिर उसको जो शेष बचे हुए हैं उसको भी आप देखेंगे तो आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हर चैप्टर का हम पहले मैं डिस्कस करूंगा कि किसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसी अध्याय का फिर से मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनेंगे, फिर उसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस वाले में हम आपको इसका PDF भी साथ में दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे और हर सब्जेक्ट का करेंगे, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर अभी तक जो नए स्टूडेंट हैं अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं नोट किए तो कर सकते हैं 9451094356। ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों चलते चलते जितने स्टूडेंट क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों में इसे शेयर करिएगा और 10 दोस्तों को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कराइएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।